All animals are equal, but some animals are more equal than others. Assalamualaikum, welcome to another episode of किताबों की बातें. और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरविल की एनिमल फार्म की. जॉर्ज ऑरविल की एक किताब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1984, जिसमें जॉर्ज ऑरविल साहब ने ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश की. तो इट इज़ ए फिक्शन के 1984, किताब 1949 में लिखी गई थी कि 1984 में क्या होगा. तो 1984 में वैसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, बट 2021 में पेगासस प्रोजेक्ट और उसके अलावा भी जो चीज़ें हो रही हैं, उसे ये सब लगता है कि जो प्रिडिक्ट किया था जॉर्ज ऑरविल ने अपनी उस किताब में, वो सब का सब अभी हो रहा है. कि किस तरीके से लोगों की पर्सनल लाइफ्स में इंट्रूड किया जा रहा है, कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ भी नहीं, लोगों को उठा उठा के अंदर डाला जा रहा है फॉर नो रीजंस. यानी कि हर इंडिविजुअल पर गवर्नमेंट नज़र रखने की कोशिश कर रही है. तो दिस वाज ऑल अबाउट 1984. ये किताब जो है एनिमल फार्म है. आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि हमारे फॉर्म्स में रह रहे एनिमल्स को अगर दिमाग होता, यानी कि अगर उनके पास सेंस होती, तो वो अपने हकूक मांगते. यानी फॉर इंस्टेंस मुर्गियाँ आपसे डिमांड करती कि हमारे अंडे वापस दें, या भैंसे या और गाय आपसे डिमांड करती कि आज के बाद हम आपको दूध नहीं देंगे. तो इस तरीके से फिर जो शीप्स हैं या जो गोट्स हैं, वो अपने जिनको ज़बह करके खाया गया है उनके लिए डिमांड करते हैं कि आपने हमारे भाइयों, हमारे बहनों को कत्ल कर दिया, नाउ वी आर अगेंस्ट यू. तो मीन्स दिस इज़ समथिंग सिमिलर टू दिस बुक. किसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं कि किस तरीके से इंसानों ने उन पर जुल्म किया है, जुल्म व सितम करते आ रहे हैं, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल भी करते हैं और उन्हीं पर जो है वो जुल्म करते हैं. तो उनके खिलाफ़ रेवोल्यूशन लाने की बात की जाती है कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे इंसानों के खिलाफ और ख़ुद अपना जो है वो सिस्टम रन करेंगे. बेसिकली दिस बुक इज़ ए सटायर अपॉन रशियन रेवोल्यूशन. यानी कि इस बुक को समझने के लिए, इसके एसेंस को समझने के लिए रशियन रेवोल्यूशन का पता होना ज़रूरी है. मगर आप रशियन रेवोल्यूशन के पढ़े बगैर भी अगर इस किताब को पढ़ेंगे, तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं या जितने भी सिस्टम्स ने लोगों को सुहाना ख्वाब दिखाया था सिस्टम में आने से पहले या सिस्टम के वजूद में आने से पहले, और आज उन्हीं सिस्टम ने लोगों का क्या हाल कर दिया. दिस बुक हैज़ लॉट टू से अबाउट दोज़ आर सिस्टम, दोज़ आर गवर्नमेंट्स, चाहे वो डेमोक्रेसी या कोई और सिस्टम हो. अब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, अगर उसकी बात करें हम, कि रशिया में 1917 से पहले ज़ार्स की हुकूमत थी, मोनार्क्स थे, और जो एग्रेरियन सोसाइटी थी रशिया की, वो बहुत नाखुश थी, और मेजोरिटी ऑफ देम वर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. बहुत बुरी कंडीशन थी उन सब की. तो मार्क्सिस्ट ने एक स्लोगन दिया कि जस्टिस फॉर द वर्कर्स, और फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि लेनिन साहब इसको लीड कर रहे थे विद स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ द मार्क्स, क्योंकि इन्होंने डिक्टेटर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि प्रोलेटेरिएट में से ही एक डिक्टेटर होगा, जो कि मार्क्स साहब की फिलासफी में नहीं था. अब 1970s तक आते आते क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था, और वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरा हाल हो गया था रशिया का, और जो लोग थे वो चाहते थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर से बाहर आए. और वर्ल्ड वॉर में रशिया के लगभग 20 लाख सोल्जर और 80 लाख सिविलियंस की डेथ हो गई थी. यानी कि 1 करोड़ लोग कत्ल किए जा चुके थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. अब इसके बाद जब ये रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 1917 में, पहले मार्च के महीने में, और फिर देन अगस्त के महीने में सेकंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन आते हैं, फिर उसके बाद सिविल वॉर होती है, और फाइनली लेनिन साहब वजूद में आते हैं. एक ऐसा रेवोल्यूशन जो कि लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया, जिसके लिए फाइनली उसी रेवोल्यूशन को लीड करने वाले कुछ लोग बिट्रे करते हैं, और फिर से सिविलियंस को उसी तरीके से उससे बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करने लग गए, जैसे कि जार्स करते थे, स्टालिन साहब ने जो सब किया. तो ये उस पर एक सटायर है. इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स एक एनिमल फॉर्म्स में रह रहे होते हैं, हॉर्स होते हैं, पिग्स होते हैं, हंस होती हैं, डॉग्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो एक डिसाइड करते हैं कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे और खुद के सिस्टम को खुद रन करेंगे, और ह्यूमन बींग्स के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, या ह्यूमन बींग्स के खिलाफ हम हथियार उठाएंगे. तो फाइनली वो इस बात में जो है सक्सीड हो जाते हैं. मगर क्या होता है कि उन्हीं में से कुछ लोग, कुछ पिग्स, पर्टिकुलरली जो करेक्टर है वो पिग्स का है, वो पिग्स आते हैं और क्या करते हैं कि वो पिक्स आकर उन्हीं लोगों पर रूल करने लगते हैं. यानी कि वो जो सिस्टम था बेस्ड ऑन जस्टिस के, सब मिलकर काम करेंगे, सब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सबको इक्वल वर्क
होगा, सबको इक्वल न्यूट्रिशन मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता है। पिग्स क्या करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रेवोल्यूशन लाया जाता है ह्यूमन बींग्स को, जो वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है जो ओनर होता है उस एनिमल फार्म का, और फिर एनिमल खुद ही रन करने लगते हैं। मगर जो एक इंसान का रोल था उसमें, वो रोल फिर पिग्स लेने लग जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर इंसान एक्सप्लॉइट कर रहे थे एनिमल्स को, अब वो पिग्स बाकी एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। यानी स्लोगन क्या था, स्लोगन था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट उस स्लोगन को फिर से चेंज किया गया है ना, फिर से उस चीज को चेंज करके न्यू स्लोगन दिया गया कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लास्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी में जाकर एनिमल्स को रियलाइज होता है कि जो इंसान थे उनकी मौजूदगी में दे वो फार बेटर देन द रूल बाई दीज रेवोल्यूशनरीज, जो कि रेवोल्यूशन के नाम पर पावर में आए थे। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बुक, आप पढ़ेंगे, मतलब मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट बताया है, इसके अलावा भी इस किताब में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू रीड जॉर्ज ऑरविल, डू स्टार्ट विद एनिमल फार्म। इसके अलावा जो 1984 है इनकी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे इन टुडेज एपिसोड ऑफ किताबों की बातें। इंशाल्लाह विल मीट सून विद अनदर एपिसोड ऑफ द सेम विद ए न्यू बुक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।